एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समरीन गैलरी। और अभी मैं हूँ शास्त्री नगर में। दिन के 2 बज रहे और मुझे जाना है अपनी दोस्त की बहन को मेहंदी लगाने। तो इस बार मैंने खुद से मेहंदी पहले लगा लिया अपना, इस बार मैंने थोड़ा दिमाग से काम लिया। और गाइस, कल ही मैंने फेशियल किया है और आज मुझे धूप में निकलना पड़ा। मतलब कितना ही फेस को छुपा लूँ, क्या ही करूँ। मैंने दोनों हाथों पर मेहंदी लगाई है, देख सकते हो। ये फ्लोरल वाला तो आज मैं इस बारे में सोचा ना कि मैं व्लॉग नहीं शूट करूँगी, फिर इतने सारे कमेंट्स आए। तो गाइस, घर आ गई हूँ और मैं ऐसे फेस को ढाँक कर के आई हूँ गाड़ी से, क्योंकि कल ही मैंने फेशियल कराया। क्या हाल कर लिया पहले, कोई नहीं। गाइस, उस वक्त मैं अपने मेहंदी को दिखा रही थी और मेरे फेस को इग्नोर कर दीजिएगा, बड़ी थकी हुई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि चांद रात के दिन सबसे ज़्यादा अगर कोई बिजी रहता है तो मैं रहती हूँ, काम नहीं करती हूँ, बस मेहंदी वेहंदी लगाने के लिए बिजी रहती हूँ। तो ये देख सकते हो मेरा मेहंदी, मैंने खुद से ही दोनों हाथों पे लगाया, देख सकते हो। ये थोड़ा सा लेफ्ट हैंड से लगाया ना, इसलिए उतना फिनिशिंग इसमें नहीं आया, बट ये अच्छा है। और इस तरह का डिज़ाइन मैं इसलिए लगा लेती हूँ ना, क्योंकि दोनों हाथों में आराम से लगा लेती हूँ, उल्टे से सीधे में, सीधे से उल्टे में लगा लेती हूँ, इसलिए मैंने इस तरह का डिज़ाइन लगाया टैटू स्टाइल में। इसे दुबई स्टाइल भी बोल सकते हो आप लोग, ऐसे फ्लोरल मेहंदी डिज़ाइन भी बोल सकते हो। और मेरा देख सकते हो, और फिर क्या हालत मैंने बना करके रखी अपनी। तो वही, अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, फ्रेश होकर के आप लोगों से मिलूँगी, क्योंकि आज बाज़ार भी जाना है और बहुत काम है आज, बहुत ज़्यादा। तो गाइस, अभी शाम के 4 बज रहे हैं, 4 नहीं 4:30 होते होंगे, और मैं नहा करके निकल गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपना जो मेकअप वैनिटी, थोड़ा बहुत जो मेरे पास चीज़ें हैं वो सबको एक जगह करने, क्योंकि बहुत फैल गया बहुत ज़्यादा। और अगर आज नहीं करूँगी तो फिर कल मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी मेकअप करने में, और बहुत इधर उधर होगा, क्योंकि लोग भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, तो बहुत बिखर जाएगा इसलिए। और मेरी अम्मी ने बहुत अच्छे से सजा दिया इस एरिया को, बालकनी को हमारा, तो मैं दिखाती हूँ, देखिए। और ये जो है ना, बहुत प्यारा आवाज़ करता है। ये मेरे मामा बहुत पहले लेकर के आए थे, मेरे छोटे मामा जो, उन्होंने दिया था अम्मी को, तो ये अभी तक है। और ये मैं मनाली से लेकर के आई थी, मनाली नहीं, अजमेर से लेकर के आई थी ये, तो अम्मी ने इसे भी इधर ही लटका दिया। ये सारी चीज़ें मेरी अम्मी ने बनाई है, ये और वो दोनों पोस्टर, ये दोनों जो है ना, ये दोनों कुछ और, पता नहीं कुछ और ही किसी ने दिया था, बट ये सब मेरी अम्मी ने बनाया। अब बालकनी में बिल्कुल दरी वरी बिछ चुकी, क्योंकि अभी सजेगा ये सब भी, थोड़ा अभी मैस है अभी, तो बाद में दिखाऊंगी आराम से। ये बहुत प्यारा लग रहा है। और अभी घर भी बिल्कुल फैला हुआ है, कुछ भी सजा हुआ नहीं कहीं पर भी, बट यहाँ का जो सामान है ना, इसके अंदर का सब निकालूंगी और इसके अंदर पूरा मेकअप करूंगी। यहाँ पर पूरी मेकअप की मेरी चीज़ें पड़ी हुई है, यहाँ तो पड़ी है, और उसके बाद यहाँ पर छोड़ी ना मम्मी, उसके बाद यहाँ पर सारी मेकअप की चीज़ें पड़ी है, और वहाँ पर भी मेरे नायका का पूरा सारी चीज़ें पड़ी जो मैंने नायका से मंगाई थी। तो जा रही फटाफट से एक जगह करूँगी सबको, बिल्कुल फैल गया। तो गाइस, मैं ऊपर गई थी अपनी पुप्पी को मेहंदी लगाने, लगा दिया मैंने उसे मेहंदी बालों पर। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से अपना जो सजाना है वो सजाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। कि दिखाते हुए नहीं सजाऊंगी, बहुत लेट हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। गाइस की चोपा देती, गाइस की अम्मी जान बहुत बोलते हैं, कल चोपा देती है। तो गाइस, मैं आप लोगों को सजा के मिलती हूँ। तो गाइस, फिर से इसे यहाँ पर लेकर आ गई हूँ, इसके अंदर रखूँगी, और इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी, मेरा स्टैंड है और जितना भी मैंने ज्वेलरी लिया ना वो सब है। यहाँ पर मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स भरे हुए रहते हैं इस एरिया पे, यहाँ इस एरिया पे सारे मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें। ये मिल्तानी मिट्टी है, और मेरा स्टैंड है, सारे क्लिप्स हैं, नए नए जितने भी सामान हैं सारे इसमें रखे हुए हैं, सारे के सारे निकाल दो, और ये सब भी है। तो गाइज, और एक बात, किसी ने मुझसे कहा था कि ये लिपस्टिक जो है ना, ये लिप बाम, ये FMS स्मार्ट से किसी ने 80 रुपीज़ में लिया है, तो शायद आपने जो लिया होगा, आपके कोई रिलेटिव्स का शॉप होगा वो, इसलिए आपको मिल गया। मुझे 110 रुपये में ही मिला है, तो मैंने 110 में ही लिया, यही क्लियर करना था बस, क्योंकि मुझे कमेंट आया था, एक कमेंट आया था, तो मुझे अजीब लगा, मैंने कहा 80 रुपीज़ में इन्हें मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला 80 रुपीज़ में। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, वहीं काम करती है, तो उसने कहा कि 110 में ही मिल रहा है, और उसे फ्री में मिल गया होगा। तो गाइज, मैंने कहा था आप लोगों को इस ब्रश का रिव्यू दूंगी, बट नहीं दिया मैंने,
मैंने बस फाउंडेशन ब्रश को यूज़ किया था, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा आप देख भी सकते हो, थोड़ा सा गंदा होगा। और ये जो है ये पाउडर ब्रश है, बाकी आई ब्रश है, और ये आईब्रो का ब्रश है। इसमें स्पूली दिया हुआ है, एक साइड ब्रश दिया हुआ है आईब्रो का जो पाउडर है उसे अप्लाई करने के लिए। गाइज मैंने निकाल तो लिया ऐसा जाने के लिए ऐसा, बट इतनी सारी चीज़ें देख करके ना अब मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। इतने सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारे नए नए भी हैं, जिसका मैंने पैक भी सील है, बिल्कुल खोला नहीं है। जिसे मैं दिखाऊंगी, इसका रिव्यू देने वाली थी, वो सब नहीं हुआ। सारे फैले हुए ड्राई फ्रूट भी मुझे इधर ही रखना है। इतनी छोटू समय मैं कैसे मेकअप कर रखूँ समझ में नहीं आ रहा। तो गाइज दो से तीन घंटे मुझे लगता है इसी में लगे होंगे। तो 2 घंटे के बाद मैंने अच्छे से सजाया, मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा प्रोडक्ट अपना रखा है, बहुत सारी नई नई चीज़ें। लिप एंड चीक ट्यून जो है ये इनसाइड का मेरा है। बहुत लोग पूछे थे यहाँ पर, थोड़ी बहुत स्किन केयर की प्रोडक्ट रख लिए मैंने, बाकी सारी चीज़ें इस साइड है। ये मैंने मेकअप फिक्सर लिया था हिलारियोरा का, और मेकअप ब्रशेज़ है, और यहाँ पर मेरे नए वाले ब्रशेज़ हैं, और नीचे जितना भी है ड्राई फ्रूट्स है, और बहुत सारे इसमें मेरे पूरे लिपस्टिक भरे हुए, इसमें सारे क्लिप्स है, और रोज़ वाटर वगैरह, थोड़ी बहुत ज्वेलरी है, मेरी ब्राइडल ज्वेलरी है, और बस यही सब चीज़ें है इसमें। वाइप्स रख लिया मैंने, इधर भी वाइप्स है, और बस इतना ही। और भी सारी चीज़ें हैं जो अलमारी में है, वो अभी मैं नहीं निकालूंगी, अब आराम से कल परसों देखूंगी, या फिर ईद के बाद सजाऊंगी। जितना जो मेरे यूजेस का है ना, जो मैं यूज़ करूंगी अभी, वो सारी चीज़ें मैंने रख ली है, देख सकते हो। और गाइज अभी मैं जाऊंगी बाहर, क्योंकि मुझे सांचे जाना, बहुत सारी चीज़ें लेनी है। मुझे जैसे जैसे मेहंदी लगाना था मैंने लगा दिया, अब मैं जा रही हूँ, बाहर। और मेरी अम्मी ईद का चांद देखने के लिए निकले, पता नहीं चांद निकला है कि नहीं निकला है, चांद निकले ना निकले भटका ली इधर, इतना पता है। और मेरा लाइन इतना अच्छा सजा है ना, मेरी नीचे लाइन पे, बट यहाँ पर कितना खासता है, बट यहाँ पर नहीं सजा है, बाकी सारी जगह पे सजा है। और मैं यहाँ पर इसलिए सजा है क्योंकि मेरा भाई लोग सजाता है, और मेरा भाई बैठा है इत्तेकाफ में, आज आ जाएगा, तो इसीलिए। और चांद पता नहीं नहीं दिख रहा मुझे। तो गाइस गरीब लोगों को मत देखिए, मैं चांद दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये चांद, और मेरा कैमरा बहुत ख़राब हो गया है इसलिए चांद विजिबल नहीं है, दिखाओ। तो गाइस मेरा भाई इत्तेकाफ में बैठा था और आया है, माशाल्लाह एक नंबर लग रहा है, मेरी अम्मी का खुशी का ठिकाना नहीं है। चल हम जा, इंशाल्लाह एक दिन तुम हज भी कर लेगा फरहान। तो गाइस यहाँ मेरा भाई जा रहा था मेरी बड़ी अम्मी से मिलने के लिए, और वहाँ का वीडियो मैंने नहीं शूट किया, और क्यों नहीं शूट किया फिर कभी वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है। मैं जा रही हूँ आप ही के घर अपने भाई के साथ। तो गाइस मार देंगे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मानगो, और क्यों जा रहे हैं मुझे खुद नहीं पता, बस जा रहे हैं, कुछ लेना नहीं है फिर भी जा रहे हैं। और आने के बाद अभी फिर घर जाऊंगी, क्योंकि कुछ, हाँ मुझे चिकन लेना है, मैं धतकड़ी से नहीं लेकर के मानगो से चिकन ले रही हूँ। बहुत डिस्टर्ब करते हैं आप। तो गाइस ये गरीब को लेने की वीडियो, और यहाँ पर जो भीड़ थी ना, मैं जिस तरह से घुसी हूँ ना उसी तरफ से वापस भागी हूँ मैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी आगे में। तो गाइस अभी हम लोग लाइन बाई लाइन घूम रहे हैं लाइट नहीं देखने के लिए। तो गाइस ये है मेरे बगल के बगल वाला लाइन, और कितना अच्छा एंट्रेंस इन लोगों का, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, पूरी लाइटिंग भरी हुई थी, बहुत 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 सुंदर लग रहा था। गाइस बगल लाइन में बहुत अच्छा सजा है, कल दिखाऊंगी क्योंकि अभी अलाउ नहीं था वहाँ जाना। बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे आईब्रो बनाया तो अलग ही फेस दिखता है आईब्रो में। चल आस्ते आस्ते, मज़ा आ रहा था। अलग ही सबसे अच्छा तो शास्त्री नगर सजा होगा, नहीं राजा नंबर सजा। अभी कहाँ, अभी सजी रहा है, अरे निप्पो कैसे है, ठीक है। तो गाइस ये है मेरा बगल लाइन, और मेरा लाइन सुनसान है, बिल्कुल भी लाइट नहीं, नहीं कुछ नहीं है। तो गाइज़ ये है मेरा लाइन, और मेरे लाइन के नीचे साइड से सजना शुरू हुआ था, मेरे घर की तरफ नहीं सजाया, और क्यों नहीं सजाया उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कल के वीडियो में या फिर परसों। मेरे को कॉकरोच से ऐसे डर लगता
बच्चा लोग देख रहे हैं। गाइज मैं यहाँ पार रही थी मस्जिद के पास से, तो मैंने मस्जिद की वीडियो ले ली। ये मक्का मस्जिद है धतकड़ी का, और इतना खूबसूरत लग रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। अगर मेरा भाई मेरा फ़ोन लेकर के जाता तो मैं अंदर की वीडियो उससे ज़रूर मांगती। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। 10,000 मामली बात है लाइन को सजाने के लिए। तो गाइज यहाँ पर मैं मिट्टी का प्याला लेने के लिए आई थी, क्योंकि पिछले साल के ईद के व्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा, और जो नए हैं उनको ही बता दे रही हूँ। ये हमारे घर पे फातिहा होती है मिट्टी के प्याले पर, और उसे पिया जाता है नहाने से पहले, नहीं नहाने के बाद। तो वही था इसलिए प्याला ले रही थी, प्याला मैं लेना भूल गई थी, इसलिए सारी चीज़ें लेकर के आ गई थी, बस यही भूल गई थी, तो मुझे अम्मी के डर से लेना पड़ा। तो गाइज घर आ गई हूँ, और मैंने इतने लोगों को मेहंदी लगाई ना कि मेरा जो बैक है बिल्कुल पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, और मेरी मेहंदी कितनी लाल होगी, इसलिए मैंने कल लगा लिया था। मुझे पता था मैं आज अपना नहीं लगा पाऊँगी। अभी आप ही काम से आएगी तो आप ही को ही मुझे लगाना, पता नहीं अम्मी लगाएंगी कि नहीं लगाएंगी। तो देख सकते हो तो दोनों हाथों मैंने खुद से लगाया, बहुत लोग यकीन नहीं करते बट मैं लगा लेती हूँ। और मेरा आई मेकअप, मैंने सिर्फ मस्कारा लगाया था, लिप एंड चीक टिंट लगाया था अपने लिप्स पे, और अपने चीक्स पे भी लगाया था लिप एंड चीक टिंट। इनसाइड का था वो, उसकी प्राइस 159 ऐसी समथिंग कुछ थी, 160 की कुछ थी। मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग हमेशा मांगते हो, मैं भूल जाती हूँ, तो मैं आप लोग से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो गाइस मेरा जो चांद रहा था ना इसी तरह से जाता है, मैं अभी जस्ट मेहंदी लगा के करके आई हूँ, और अभी रात के 1:15 हो रहे हैं। इधर आए, इधर अभी हम आए हैं, अभी तुरंत ही आई है काम से। अब ये बोली कि मुझे मेहंदी लगाने पर इसे मैंने लगाऊंगी, मैं जा रही हूँ सोने। लगाएगी आपकी? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा हुआ गाइस मैंने खुद से लगा ली थी मेहंदी, वरना मैं बहुत पछताती। ऐसे भाभी बोल रही थी कि तुम्हारा लैशेस जो है वो ओरिजिनल है कि तुमने एक्सटेंशन वगैरह लगाया। मैंने कहा कि नहीं, लैशेस ओरिजिनल होते, माशाल्लाह बहुत अच्छे लैशेस है तुम्हारे। हाँ भाभी, तो उनको लगा ना कि हम लैशेस फेक लैशेस वगैरह लगाए, पर हम बोले कि नहीं मेरा ओरिजिनल लैशेस ही ऐसा है, अच्छा लग रहा। तो गाइस ये है इमली की मीठी चटनी जो दही बड़ा के लिए यूज़ होती है, मेरी अम्मी खुद से ही घर पे बनाती है और रेडीमेड नहीं लेती है। ये है फालूदा, और इसमें मैंने दही बड़ा के लिए रखा है, ये वाइट वाइट ना ये था चौक का पानी होता है ना वो था, और यहाँ पर देख सकते हो फालूदा मेरी अम्मी ने रख दिया। ये नया जो डेगची होता है ना वो निकाला मेरी अम्मी ने कढ़ाई, और ये शाही सेवैयाँ। मैं ये कुछ भी नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ दही बड़ा खाती हूँ, मैं मीठी चीज़ें खाती नहीं हूँ। और यहाँ पर मेरी अम्मी बिल्कुल थकी हुई थी, और अभी भी मेरी अम्मी सिलाई कर रही थी, देख सकते हो आप लोग, तो बहुत काम था इनको भी। और ये सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है, बस दही बड़ा मैं छानूंगी अभी सुबह। और देख सकते हो ये भी मैंने लिया बट इसे यूज़ नहीं। तो गाइस ये कर्टन जो है ना ये मैं ही कल ही लेकर के आई हूँ इसे, और ये मैंने मानगो से लिया था, तो बहुत प्यारा लग रहा है। अभी धीरे धीरे आप ही आई है तो आप ही सजाएगी पूरे घर को। ये सोफ़ा का जो कवर वगैरह है वो सब लग चुका है, पर्दा तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी मशीन की आवाज़ आई, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, मेरा भाई इतकाफ से आया था तो उसी का ये माला है पहना हुआ, तो अम्मी ने उसमें लगा दिया। यहाँ मैं स्टैंड है, और मैं कब से अपने सिल्वर प्ले बटन के लिए फ्रेम इसको कर दूँगी। बहुत मेरे भाई कह रहे थे कि फ्रेम कर देना, बट मैं कर ही नहीं रही हूँ, अब ईद के बाद करूँगी। तो गाइस बहुत सारे लोग होंगे, अभी मैंने एक दो लोगों का नाम पढ़ा है, एक शबाना करके है या शबनम करके, और एक फिरदौस है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, मैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से आप लोगों का नाम लूँगी, क्योंकि अभी ना मैं बहुत जल्दी में मतलब एंड कर रही हूँ वीडियो को, क्योंकि बस इतना ही था मेरा आज के दिन। मेरा आज का दिन ऐसे ही गुजरता है, बहुत हड़बड़ी में, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट वाला गुजरता है मेरा। तो गाइज उम्मीद करती हूँ आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और अगले साल से मैं मेहंदी की वीडियो पहले डाल दिया करूँगी, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। बहुत लोग बोल रहे थे कि फ्लोरल मेहंदी का जो फ्लावर बनाते हो आप किस तरह से बनाते हो, तो मैं वो ट्यूटोरियल लाती बट बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो गाइज बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने अच्छे से मेरी वीडियो को देखते हो, इतना प्यार देते हो, इतना प्यार देते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना। वो जो प्ले बटन दिख रहा है ना वहाँ पर, सिर्फ आप लोगों की बदौलत से है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए वो। आप मतलब मैं क्या बताऊँ, क्योंकि बिल्कुल भी मैं इतना ही बोलूँगी कि 100K सब्सक्राइबर करना और सिल्वर प्ले बटन को अपने हाथों पे लाना ये हलवा नहीं है, सब नहीं कर पाते ये, जो इतने कैपेबल होते हैं, जिनके अंदर इतना एक होता है टैलेंट। मैं अपना तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तारीफ़ कर रही हूँ जो इतने जल्दी मतलब आगे बढ़ रहे हैं। अर्शी सैफी है,
मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मैं उनका व्लॉग्स देखती हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है। मैं दिल्ली भी गई थी तो मुझे था कि मैं कहीं मुझे वो दिख जाए, मैं उनसे मिल लूँ। तो इंशाल्लाह जब भी मेरी कभी ऐसा हुआ, मैं नवंबर में भी दिल्ली जाने वाली हूँ, तो अगर ऐसा हुआ कि मैं उनसे मिल लूँ तो पक्का व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि मुझे अर्शी सैफी बहुत पसंद है। और मुझे शाही स्टाइल्स का जो वीडियो है ना, शाही स्टाइल्स साइमा दी, उनका भी मैं बहुत वीडियो देखती थी, बहुत वीडियो छोटे से, उन्होंने उनका ही देख देख कर मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुई, थोड़ा मोटिवेट हुई हूँ कि हाँ भाई बनाना चाहिए बनाना चाहिए। बहुत छोटे से सोचती थी बट बनाती नहीं थी, फिर अचानक से इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत फॉलोअर्स बढ़ने लग गए। उसके बाद फिर मेरा फ्रेंड जो है अनीश, उसने बहुत पुश किया मुझे कि आपको वीडियो बनाना चाहिए, आपको भी यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए। मैं व्लॉग बिल्कुल नहीं बनाना चाहती थी बट आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इतनी रिक्वेस्ट किए ना कि व्लॉग ही बनाओ, इसलिए आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही व्लॉग स्टार्ट किया, व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। वरना मैं तो सिर्फ फैशन से रिलेटेड वीडियो ही बनाती थी, ब्यूटी टिप्स वगैरह देती थी, बट आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे व्लॉग्स पे कि आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और मेरी मम्मी बोल भी रही है कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो बस इतने था, आप लोग पूछते रहे कि किस कैसे यूट्यूब चैनल खुलता है, क्या है, वो भी मैंने पढ़ा था। तो वो मैं ईद के बाद एक वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें मैं दिखाऊँगी किस तरह से आप चैनल बना सकते हो, मोनेटाइज होता है चैनल और कैसे क्या होता है, पेमेंट कब आती है, कैसे आती है, बैंक में क्या करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, सारी डिटेल्स मैं दूँगी एक एक करके वीडियो में। वो ना मैं पार्ट बाई पार्ट वीडियो बना दूँगी क्योंकि उसमें बहुत कुछ बताना पड़ेगा इसलिए। और मुझे यूट्यूब चैनल मैंने खोला क्योंकि मुझे अनीश ने बहुत ज़्यादा पुश किया, बहुत ज़्यादा। अनीश मेरा फ्रेंड है, आप लोगों को पता होगा, मतलब उसने इतना ज़्यादा किया ना, यहाँ तक कि मेरे यूट्यूब चैनल कभी कभार हैंडल भी वही करता था कि कुछ ऐसा हो रहा है कुछ भी, तो मेरा और उसके बीच में ही रहता था ये चीज़ें, मैं और वही यूज़ करते हैं मेरे यूट्यूब को। अब नहीं करता वो बट पहले शुरुआत में वही करता था और उससे बहुत हेल्प मिली मुझे, बहुत ज़्यादा। शायद वो वीडियो भी मेरा देखता होगा तो बहुत अच्छा है और बहुत हेल्प करता है मेरा, आगे भी करेगा इंशाल्लाह और अभी भी कर ही रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया तेरा भी, थैंक यू, तूने मेरा बहुत हेल्प किया यार, बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैं इतना ही बताना था, मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बाय। और आप सभी को ईद मुबारक क्योंकि चांद दिख चुकी है, तो ईद मुबारक। इंशाल्लाह ईद के वीडियो भी बहुत जल्दी आएंगे, मतलब कल आएंगे। बाय।